बच्चों अभी इससे पहले पढ़े थे हम लोग कि मानव अपने पर्यावरण को कैसे परिवर्तन किया, उनके बारे में जाने थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या नहीं, उनके बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं या निर्भर करते हैं, इनके बारे में जानना है हम लोग को। पेड़ पौधे जीव जंतु परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं, सही बात। पेड़ पौधे जीव जंतु परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे पौधों द्वारा उत्पन्न घास फूल फल जंतुओं का भोजन होता है। क्या होता है? जंतुओं का भोजन होता है। और इसी प्रकार जंतु भी पौधों के विभिन्न बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पौधों को वृद्धि करने में मदद करते हैं। देखे बच्चे, जान लेते हैं कि पौधों द्वारा उत्पन्न घास फल फूल उनका जंतुओं का भोजन हो जाता है, जंतुओं उसके भोजन करते हैं, खाते हैं, और खाने के साथ इसी प्रकार जंतु भी पौधों को जो उसका बीज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। पहुंचा देने के बाद वहां एक पौधे पेड़ पौधे की वृद्धि होती है, और पौधे की वृद्धि होने के साथ इसी प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर क्या करते हैं, आश्रित होते हैं या निर्भर करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। देखो जान लेते हैं पृथ्वी के कितने परते हैं, पृथ्वी के कितने परते हैं। पृथ्वी के अंदर तीन परतें हैं, पहला भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोन। ये तीन परतें हैं, ये जान लेते हैं हम लोग। भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोन। भूपरपट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी कहलाता है। और पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे यानी बीच वाले भाग मेंटल कहलाते हैं। और पृथ्वी की सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्रोड होता है, इसको क्रोड कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड हम लोग जान गए। भूपरपट्टी एक बार और जान लेते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी कहलाता है। मेंटल यानी पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के अंदर जो बीच की स्थान होती है वो मेंटल कहलाता है। और क्रोड जो पृथ्वी के सबसे निचली परत होते हैं उसको क्रोड कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसको याद करेंगे और एक नोट कर लेंगे। क्वेश्चन याद करें, कॉपी में लिखें। याद करें, कॉपी में लिखें और ग्रुप में भेजें। ठीक है बच्चे।